सुपर, हमें इस घर में ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अब तो आप हमारे साथ ही रहोगे ना? अब आप दवाई आ गई। माजी। बहादुर, तुम्हें कैसे पता चला अम्मा को कौन सी दवाई देनी है? ये तो बहुत ज्यादा भारी है। बहादुर चाचा है ना आपकी मदद करने के लिए। खड़े खड़े देख क्या रहे, अपनी शर्ट उतारो। अरे ऐसे आग थोड़ी बुझेगी। अगर मुकेम्बो अंकल को पता चल गया कि मापू है तो पता नहीं कहाँ करेंगे। जब हम तुम्हारी अम्मा से मिलेंगे ना, हम तुम्हारी अम्मा से तुमका मांग लेंगे और हमेशा हमेशा अपने पास रखेंगे। लेकिन मेरी माँ तो यही है। What? और खलाइका आंटी और मामू के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे कि उनकी शादी कैंसिल हो जाएगी। तो ये सब तुम दोनों का किया करा है। अब मोनू नाम का सर दर्द हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। इस मोनू को ऐसी जगह छोड़कर आना वो दोबारा घर वापस ना सके। अब मोनू इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। वो है हमारा स्पेशल लस्सी वाला। तुम जाके वहाँ पे रुक जाओ, मैं बस गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ओके? हमको तो घर का रास्ता भी नहीं पता, अब हम घर कैसे जाएंगे? शाबजी, वो मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मोनू यहाँ पर है, ये देखो। ये बदमाशों के बीच क्या कर रहा है? कितना मासूम बच्चा है, अगर चौराहे पे भीख मांगेगा तो कितनी कमाई होगी अपनी। घर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग पे डाल देना। आज से तेरा सब कुछ यही है। अब तू आज से ही भीख मांगेगा। अब मैं तेरी ये टांग ही काट दूंगा। हाँ शाब जी, ये मोनू का है। इसका मतलब मोनू यही कहीं है। मोनू, मोनू, हमको छोड़ दीजिए, हमको घर जाने दीजिए अंकल। मुझे तुम्हें वो सच्चाई बतानी है जो मैंने तुमसे सालों तक छुपाई है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मन अखिलेश की तरफ क्यों खींचा चला जाता है? क्योंकि अखिलेश ही तुम्हारे बापू है। हमका तो लगता है मोनू बिटवा ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। हाँ, है कि नहीं? हमें साथ मिलकर उस मोनू के बच्चे को सबक सिखाना होगा। I have a plan. ये बजरंगबली, हमारी मदद करो। किसी को भेज दीजिए हमारी मदद के लिए। अरे अखिलेश अंकल, आपके हाथ से तो खून आ रहा है। चलिए हॉस्पिटल चलिए। आप चिंता मत करिए, मैं आपको अपना खून दूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये मोनू से धीरे धीरे अटैच क्यों हो रहा हूँ मैं? क्या लगता है वो मेरा? अपनी बेटी से अटैच तो हो गए ना तुम अखिलेश? कुछ कुछ कहा तुमने? अखिलेश, तो क्या मुझे इस ड्रेस में देखकर भी तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? कुनिका, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। अखिलेश, आई थिंक आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तुम अभी तक अपने एक्स वाइफ को भुला नहीं पा रहे हो ना? चाहे जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करूं, लेकिन सामने आ ही जाती है लड़की। इससे पहले कि गलती से वो अम्मा के सामने आ जाए, मुझे उसे बताना होगा कि वो अम्मा से मिलने की कोशिश ना करे। आपकी जोड़ी किसी और के साथ ही अच्छी लगती है। किसके साथ? हमारी मापू के साथ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। अब ये बड़े लोगों का भरोसा कहाँ होता है कुनिका? देखा ना कैसे वो दुबई वाला क्लाइंट बिना बताए चला गया। Whatever, पर मेरा तो काम बिगड़ गया ना। ना वो डील हुई और ना मेरा वैलेंटाइन्स डेट। He must be so upset with me और अब तक घर भी आ गया होगा। अखिलेश, देखो निका बेटिया, गुलू तो तुम्हारे साथ ही गया था ना, वो घर पे ना ही है। सीरियसली?
वो मुझे रेस्टोरेंट में बुलाकर वैनिश कैसे हो सकता है? कहाँ गया वो? हाँ, रेस्टोरेंट में मैंने भी चेक किया था, अखिलेश वहाँ नहीं था। हो सकता है एग्लू बेटा वहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचा हो। आई थिंक तुम्हें रेस्टोरेंट कॉल करके देखना चाहिए। हाँ, ये सही कह रही है, फोन लगा बिटिया। या यू शुड। हेलो, होटल डाइन इन। हाँ, मैं अखिलेश पांडे के फियांसे बोल रही हूँ। व्हाट? क्या हुआ? अखिलेश ने रेस्टोरेंट में मारा मारी की और उसे पुलिस लेके चली गई। कहा? मोरी मोरी गंगा मैया। ए बारिक बेटा, जल्दी से गाड़ी निकाल, हम सब जाएंगे पुलिस स्टेशन। चली जल्दी। जी मोटी बा। चली जल्दी। ये तो मिस्ट्री के साथ था, अचानक पुलिस स्टेशन कैसे? हो क्या रहा है? कहीं हीरा भी अखिलेश के साथ? कहां फंस गया मैं? मिश्री मातु, मिश्री अखिलेश, अखिलेश अंकल थे ना तुम्हारे साथ, वो कहां है? अंकल, अब हमारी पापू आ गई है, वो आपको बचा लेंगे। कैसे ही मैडम आपको? इंस्पेक्टर साहब, अब जानते भी आपने किसे गिरफ्तार किया है। बहुत ही बड़े और शरीफ इंसान है ये, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। इनके बेल के चार्जेस जो भी होंगे मैं दे दूंगी। देखिए मैडम, अभी कोर्ट बंद हो चुका है, आप कल आइए बेल कराने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि इतने छोटे से केस के लिए मुझे कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बेल आप यहाँ पर भी दे सकते हो मुझे, आप प्लीज बेल दे दीजिए। बोला ना मैडम, आज कोर्ट बंद है और वैसे भी मुझे बहुत जरूरी पेपर वर्क करना है। पहले हमने बिटवा को छोड़िए। छोड़ दो ने। और जो वो औरत उनके साथ है? वो जो औरत? गुलू, कौन है तुम्हारे साथ? आराम आराम से, ये गड्ढे के यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ चलना शुरू कर। और सुन, ध्यान से आना, इस तरफ गड्ढा है, उस तरफ खाई है। वैदी, मुझे हाथ दे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी जी आप तो सही पकड़े हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप, और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात ही भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले, कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। सर ने आपको फोन किया था पर पुष्कर जी ने उठाया था कि विदिता जी के केस में एक नई जानकारी मिली है। पर उसने मुझे बताया नहीं। दरअसल दिल्ली में तैरते हुए कॉफिन में एक घायल लड़की मिली है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी गट फीलिंग कह रही है कि वो आपकी बहू विदिता जी ही हो सकती हैं। सर ने ये सारी बातें पुष्कर जी को बताई थी। आखिर पुष्कर ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? मुझे
पुष्कर से साफ साफ बात करनी है। विक्रम बेताल में कल देखिए। गायत्री तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। इस थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान, उनकी शक्ति, सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा।